अब वेलेंटाइन डे पर मेरे मोहल्ले का मांगीलाल, उसके पिचके पिचके गाल और झुमरू जैसे बाल, घर से निकला गुल्लक वेलेंटाइन डे पर, वेलेंटाइन डे पर मेरे मोहल्ले का मांगीलाल, उसके पिचके पिचके गाल और झुमरू जैसे बाल, घर से निकला गुल्लक से 20 का नोट निकाल, सड़क पर आते ही उसकी तेज हो गई थी चाल, उमंग से लबरेज पूछा उसने गुलाब के फूल का भाव, 300 रुपए का एक सुनकर उसके दिल को लगा गहरा घाव, इतनी महंगाई जानकर उसको आ रहा था ताव, ताश के महल की तरह भर भरा कर गिर गया उसके मन का चाव, प्लास्टिक के फूल की दुकान से 20 रुपए का फूल खरीदा, हाय हाय करती आ रही थी उधर से तालीबाज फरीदा, वो फूल मांगीलाल ने जैसे ही उसको टिकाया तो फरीदा नामक छक्का जोर जोर से चिल्लाया, इसको क्यों लाया रे, ये तो नकली है, बोले रख ले तू कौन सा असली है। बड़ी तरह तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है, इन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच मित्रों एक बात आपको सच बता दूं कि ईश्वर ने हंसने का वरदान केवल इंसान को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? आदमी यदि हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि वो गधा हो गया है, औरत मुस्कुराना बंद कर ले तो समझ लेना कि वो भैंसत्व की ओर प्रयाण कर रही है। इसलिए हंसते खिलखिलाते रहो, क्योंकि अतुल भाई और हम जैसे अनेक हंसाने वाले किरदार अपने दिल में बहुत सारे जख्म लेकर निरंतर उस अभियान में लगे हैं। हंसी से शुरू हुई, मैं हंसी से ही कहना चाहता हूं कि हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है, हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में गम नहीं बहा करते, और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। वाँ, 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 वाँ। लाल लाल हरे पीले नीले सतरंगी वेश धरते हैं, गुदगुदाहट भरी बातें अब हम पेश करते हैं, पिचकारी रंगों की और भावों के रंगीन मिजाज से, श्रोताओं दो अनुमति तो काव्य यात्रा का श्री गणेश करते हैं, अपनी यात्रा का श्री गणेश। देखिए साहब, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूं, और पढ़ाते पढ़ाते ही कई ऐसी बातें जो लबों की मुस्कुराहट को बरकरार रख सके वो पैदा हो जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं, इन पंक्तियों से अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता भूतों का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर श्याम सुंदर पलोल जी।